Hello everyone, welcome to our YouTube channel IKS blogs. This is day 4 of our trip, Kashmir trip. फिलहाल अभी हम आज यहाँ से श्रीनगर से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पहलगाम. फिलहाल हम रुके हैं, ये जगह है विलेज केसर और जैसा बासिल भाई ने बताया ये फेमस है काफ़ी, मतलब कावा वगैरह ट्राई करेंगे. कैसा डिश सी ये लोकल चीज़ भी जो भी है हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कैसा है, फिर ताकि कोई फ्यूचर में आए तो ट्राई कर सकता है या फिर ले सकता है जैसा भी है. अभी आपको एक और हम अंदर जा रहे हैं, बाशिश भाई ने बताया अंदर जाते हैं और ट्राई करते हैं. ये लगा है ना इसका फ्लोर, ये पहले ऐसे 3000 फ्लोर कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर सर हमारे पास कितना आता है 10 ग्राम किस शेप में आता है सर, इस शेप में आता है सर. ये 3000 फ्लोर में से इतना निकलता है इसको. हाँ जी सर, हाँ जी, एक फ्लोर में से 3 पीस, जैसे कि सर ये जो रेड वाले 3 पीस 1 2 3 यही होते हैं सर केसर. बाकी जो ऑरेंज वाली 3 पीस मेल पेट ये फीमेल पार्ट होते हैं, होगी 20 पीस. ये जो किसी काम का नहीं होता. अब ऐसे 3000 फ्लोर कलेक्ट करने पड़ते हैं, फिर सर हमारे पास कितना आता है 10 ग्राम. 10 ग्राम किस शेप में आता है, इस शेप में आता है. इसको हम कश्मीर में बोलते हैं सर लच्छा. लच्छा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो रूट्स ये जो होते हैं ना सर, रूट्स वाइट वाले रूट्स वेस्टेज होता है, ये साथ होता है. इसको क्या करना पड़ता है, ऐसे चुन चुन के निकालना पड़ता है, कट करना पड़ता है, बन जाता है फिर ये चीज़ टॉप क्वालिटी का, जिसको हम कश्मीर में बोलते हैं मुंगरा. मुंगरा जो होती है टॉप क्वालिटी का होता है. अब इसकी मतलब कि जो कि आपको सर मार्केट में बहुत सारे चीटर लोग मिलेंगे, मतलब चीटिंग करके बेचते हैं ये सब. इसकी जो पहचान कैसे करोगे, इसमें सर 1 पीस जुबान पे रखो फिर क्रश करके देखो, ये सर आपको हल्का सा कड़वा लगेगा. केसर की और एक पहचान है सर, अगर पानी में डालोगे डिजॉल्व नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, पानी में डाल के डिजॉल्व नहीं होना चाहिए. यहाँ भी आप देख सकते हैं अभी डिजॉल्व नहीं हुआ है, अगर डिजॉल्व हो गया खत्म हो गया समझो हो गया डुप्लीकेट केसर. ये कश्मीरी कावा. हाँ जी सर, कावा ट्राई किया. मुझे टेस्टी लगा, मतलब मैंने पहली बार ट्राई करा. ये ना ज़्यादातर हम मतलब यहाँ पे शादी वादी मतलब कोई फंक्शन पे गया था. सो गाइस हम आ गए यहाँ पर, यहाँ पहलगाम में जो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, यहाँ हम जाएंगे. या आज का ट्रैक रहेगा, मतलब जो हम एक्सप्लोर करेंगे देखेंगे. काफ़ी पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है, हम देखते हैं हम कितना कवर करते हैं. महाराजा हरी सिंह किंग ऑफ कश्मीर जो था ना, यहाँ पे उसने यहाँ पे शिकार किया था, 1 तीर से 2 शिकार, शेर और हिरन का. 1 तीर से. हाँ, इसको बोलते हैं डेवियन पॉइंट. फर्स्ट प्लेस डेवियन पॉइंट. डेवियन पॉइंट, यस सर. ये सेकंड पॉइंट है कश्मीर वैली. केसर वगैरह हमने दिखाया था रास्ते में आपको. हाँ जी, इसके बारे में इसको बोलते हैं कश्मीर वैली. सेकंड पॉइंट आएगा, यहाँ पे केसर अखरोट बादाम बनता है, जो हरा हरा पेड़ वहाँ लगा है ना, वो एप्पल और अखरोट का है. अच्छा, मतलब पूरे कश्मीर में यहीं पे वो उगता है. हाँ, यहाँ पे उगता है अखरोट और एप्पल. कश्मीर वैली, कश्मीर वैली, ठीक. अभी जाएगा स्विट्जरलैंड. अब जाएंगे स्विट्जरलैंड, बाइसरन. यस, सोनमर्ग के मुकाबले यहाँ रास्ते वैसे हैं उबड़ खाबड़. उनसे पूछते क्या रिएक्शन है, क्या मुझे तो वो सोनमर्ग से ज़्यादा डर यहाँ पे लग रहा है. मेहनत है, मेहनत है मैडम. यहाँ मेहनत है, यहाँ मेहनत है. हाँ, अगर आप देखो ये देखो ऐसा ही रास्ता सारी जगह. नीचे आ रहे हैं। बैटरी वो वो क्या डाल, हमको डर नहीं लगता, हमने माउंटेन देखी है। तो ये है जगह मिनी स्विट्जरलैंड के सामने गेट दिख रहा है बाईसारन, दिखाता हूँ अंदर से। सो गाइस दिस इज़ एंट्री पॉइंट, ठीक है। यहाँ 30 रुपये पर एडल्ट फीस है, एंट्री फीस। अभी बारिश हो रही थी हल्की हल्की, अभी भी हो रही है लेकिन थोड़ा रुक गई है। यहाँ थोड़ा खाने पीने का, गाइस ये जिप लाइन है। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं हम करें या नहीं। हमने प्राइस पता किया 350 पर पर्सन, ठीक है। आपने अगर मसूरी वाला ब्लॉग देखा होगा, इन्होंने किया था। हम देखते हैं, निकल गया है उसके लिए, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं चली जाऊँ। वैसे क्या था, बल्कि ये उससे ज़्यादा हाइट पर है और इसकी लेंथ उससे ज़्यादा है। अभी क्या था कि हम अभी आए नीचे से, मैं आपको वो बता दूँ, मैं प्राइस बताना भूल गया आपको। सी यहाँ पे दो हैं स्पॉट, एक है 7 पॉइंट स्पॉट और एक है 3 पॉइंट, है ना। तो उसके अलग अलग प्राइजेज हैं, मतलब वो नीचे लिखा हुआ, कोई बोलेगा 3 के लिए 2500 रुपये, कुछ आपके ऊपर। आप कितना बार्गेनिंग कर पाते हो, कर सकते हो आप इजीली बार्गेनिंग, है ना। 7 के लिए भी अलग है। एक स्पॉट है टूलियन लेक, जिसके लिए पूरा एक दिन लगता है, ठीक है। वो शायद 8500 का था, सुबह से शाम तक का। पर हमने वो, मतलब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था, ना हमें इतना इंटरेस्ट था। बाकी हमारी पार्टनर घोड़े से वैसे डरती है। आज का एक्सपीरियंस ज़्यादा खतरनाक, यहाँ का जो रास्ता था ना, तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा उससे ज़्यादा टफ था। मतलब इतनी सी जगह में, इतनी लिटरली, मतलब जिसमें सिर्फ घोड़े के पैर आ जाए उतनी सी जगह में तो घोड़ा निकल रहा था। मतलब मेरे लिए तो बहुत एडवेंचर हो गया, पता नहीं इन्हें डर क्यों लग गया यार। मेरे को तो अभी ये भी डर है कि मैं यहाँ से वापस जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी। सही, मतलब मुझे शायद उसमें ज़्यादा थोड़ा वो था कि उसमें खाई थी, यहाँ तो नॉर्मल रास्ता, दोनों तरफ मतलब पहाड़ी थी और इस तरह था। और यहाँ अभी हम क्या कहते हैं, देखते हैं, मतलब ये जगह अच्छी लग रही है हमें। हल्की बारिश हो रही है, सेकेंड टाइम करने जा रही है। इस बार डर लग रहा है, इस बार पहले वाले से ज़्यादा इसकी हाइट है, डर नहीं लगेगा, देखते हैं। का फोबिया था मसूरी में, मेरा सच बताऊं तो मेरा फोबिया निकल चुका है यहाँ पर हाइट का, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम मैंने एडवेंचर कर लिया है कि अब मेरे अंदर हाइट का फोबिया नहीं है इतना। एक्चुअली हम तैयार कर रहे हैं लेह लद्दाख के लिए, होपफुली जल्दी करेंगे। एंड इनका फोबिया निकालना ज़रूरी था, खासकर हाइट का। इसीलिए मतलब इस बार, पिछली बार मुझे याद है मसूरी में, मतलब आपको वीडियो में शायद नहीं लगा होगा, लेकिन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे मेरे हाथ लिटरली ऐसे से उड़ गए, जबकि वो इससे कम हाइट, इससे कम लेंथ थी, इससे कम लेंथ, इससे कम डिस्टेंस, कुछ भी नहीं था। तो बहुत ज़्यादा है उसके, मतलब उसके सामने, लेकिन मुझे इसमें कुछ नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आया, हाइट का फोबिया निकल चुका है, हाइट का फोबिया निकल गया यार। मतलब मज़ा आ जाता है यहाँ इस जगह आके ना, मिनी स्विट्जरलैंड, मतलब कुछ तो है इसमें। सो अब वापसी करने लगे, अराउंड 4:30 करीब बज गया, मौसम भी ऐसे ही हो रहा है। और अब हम निकल रहे हैं अपने होटल पे। मतलब यहाँ भी मज़ा आया, Day 4 ऑफ ट्रिप, मतलब अच्छा लगा। बाकी हम होटल निकल रहे हैं। सो गाइज हम आ गए अपने होटल में, वो पीछे होटल है, लेकिन हमने कर लिया। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, उसके बाद मैं आपको बाहर भी दिखाऊंगा, मतलब मेन जिसके लिए ये होटल लिया था। सो ये होटल है, होटल ग्रीन ऑर्चिड, इस तरह कुछ है। दिखाता हूँ, ये आप सामने गार्डन में, जहाँ बैठ सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं, थोड़ा कुछ वगैरह, चेयर्स वगैरह। तो ये होटल का रास्ता था जहाँ मैं अभी आपको लेके गया अंदर, एंड बाहर ऐसा है कुछ यार, मतलब यार राफ्टिंग भी होती है, देख रहे हो यार, मतलब पैसा वसूल स्टे है ये। टाइमिंग इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, होपफुली आपको अच्छा लगा हो। आपको हमने दिखाया आज पहलगाम में मिनी स्विट्ज़रलैंड हम गए, और ये स्टे है अपना 2 दिन के लिए। बाकी कल आपको दिखाते हैं, कल हमें जाना है वैली, जाना है 1-2 वैली जाएंगे, आपको दिखाएंगे पूरा। प्लीज़ यार, मतलब अगर कश्मीर सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल IKS ब्लॉग्स। मिलते हैं कल सुबह आपसे, गुड बाय, टेक केयर।